जिस प्रकार महिलाएं लड़कियां शर्माती हैं अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी दूसरे व्यक्ति को बताने में, उसी प्रकार पुरुष भी अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बताने में शर्माते हैं, जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ जाती है। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है वो बढ़ जाती है। हो सकता है कि कोई बीमारी के कारण आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही हो, उस बीमारी को देखा जाएगा, सिम्टम्स को देखा जाएगा, आपकी पूरी डिटेल ली जाएगी, हिस्ट्री ली जाएगी, उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाएगी। इस तरह से आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है अगर आप सही ट्रीटमेंट लें तो। कुछ पुरुषों में सीमेन की क्वांटिटी कम रहती है। सीमेन की क्वांटिटी की भी एक नॉर्मल रेंज रहती है। अगर उस नॉर्मल रेंज से कम रहे सीमेन तो पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। सीमेन की मात्रा कम रहती है कुछ पुरुषों में या लड़कों में देखा जाता है, उनकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो पेशेंट को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। स्पर्म काउंट कम हो जाता है जिससे पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। लड़कों की बॉडी में, पुरुषों की बॉडी में स्पर्म काउंट कम होता है तो पुरुषों को नपुंसकता देखी जाती है, निसंतानता की प्रॉब्लम देखी जाती है। जब भी वो बच्चा करना चाहते हैं तो वो बच्चा नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बच्चा आप चाहते हैं और आपको नपुंसकता की दिक्कत है तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट सही तरीके से करवाते हैं तो आपको नपुंसकता की प्रॉब्लम पूरी तरह से चली जाएगी। पुरुषों में, लड़कों में बार बार शीघ्र पतन हो जाता है, मतलब सीमेन बार बार गिर जाता है उनके लिंग से और बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। शीघ्र पतन की प्रॉब्लम डेली होती है, मतलब कभी सुबह हो जाएगी, कभी रात में हो जाएगी या कभी दिन में हो जाएगी। और शीघ्र पतन की दिक्कत आपको कई महीनों से है, आप कई महीनों से शीघ्र पतन की प्रॉब्लम झेल रहे हैं लेकिन आप किसी से शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। ऐसा एक दो दिन करते करते आप महीनों बिता चुके हैं और शीघ्र पतन की आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। बच्चों की बॉडी में, लड़कों की बॉडी में कमजोरी आने लगती है। कमजोरी के साथ सिर में दर्द होने लगता है, गाल पूरी तरह से गूंज जाते हैं, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, सिर में दर्द होने लगता है, दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है पेशेंट, मतलब दिमाग सही से काम नहीं करता है, मतलब माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स चलता रहता है कि मुझे ये जो सीमेन का डिस्चार्ज क्यों हो रहा है बार बार। लड़के या पुरुष हम यही सोचते रहते हैं और किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत होने लगती है लड़कों को, पुरुषों को, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका रहता है, मतलब उनकी जो बीमारी है वो क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है। कोई भी बीमारी पुरानी होती है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। जिस प्रकार से बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ती है उसी प्रकार से बीमारी को ठीक होने में भी टाइम लगता है। आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है, आपका इंटरकोर्स करने का बिल्कुल मन नहीं करता है अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप जब भी इंटरकोर्स करने जाते हैं तो आपका लिंग में बिल्कुल कड़ापन नहीं रहता। जब भी आप अपनी पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है। सीमेन का डिस्चार्ज हो जाने के कारण पुरुष को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है अपनी पार्टनर के साथ। जब भी पुरुष सोचता है कि आज मैं अपनी पार्टनर के साथ रिलेशन बनाऊंगा तो फिर वो वही बात सोचने लगता है कि कहीं फिर से उसके सीमेन का डिस्चार्ज ना हो जाए, फिर से उसको अपने पार्टनर के साथ शर्मिंदगी महसूस हो। इस तरह की आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आज मैं आपको जो ड्रॉप बताने वाली हूँ आप यूज़ कर सकते हैं। पुरुष रहते हैं, लड़के रहते हैं जो मेंटली तौर पे भी वीक रहते हैं, साथ में फिजिकली भी वीक रहते हैं, शरीर से भी कमज़ोर रहते हैं, जिससे उनको सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है। आपको अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए और शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ और अलग से मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा रहता है किसी बीमारी के कारण पुरुषों को सीमेन का डिस्चार्ज होता है, शीघ्र पतन होता है, नपुंसकता की प्रॉब्लम देखी जाती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर्टिकुलर रीजंस देखना पड़ेगा कि किस कारण से पेशेंट को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो पता चल जाता है तो आपका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होगा और आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम परमानेंट तरीके से खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको एक सेक्सुअल ड्रॉप बताने वाली हूँ, इस ड्रॉप का आप यूज कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ जनरल ट्रीटमेंट ही रहेगा। इस ड्रॉप का नाम है जेनेक्स फॉर्ट ड्रॉप। ये ड्रॉप आपको होम्योपैथी फार्मेसी में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये रेडिएंट कंपनी का है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है।
इस ड्रॉप का कोई साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें जो भी मेडिसिन मिली हुई है सभी मदर टिंचर फॉर्म में मिली हुई है। इस ड्रॉप को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रॉप को आपको यूज करना है 3 टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, 20-20 ड्रॉप पानी गर्म कर लीजिएगा। जब हल्का ठंडा हो जाए तो आधा कप पानी लीजिएगा, उसमें डालिएगा 20 ड्रॉप और मिक्स करके पी लीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। इस ड्रॉप को लेने से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।